दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। पहला, कैसे आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज सुबह क्या बोलते हैं 7:15 बजे से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आज भी मैं पूरे दिन में क्या क्या करूँगी वो सब आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो आज सुबह के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मंदिर से। तो यहाँ हमारा मंदिर का काम चल रहा था आजकल, मतलब चल ही रहा है अभी। तो यहाँ चल रहा है अभी, आजकल प्लास्टर चल रहा है इसमें। तो यहाँ तो हो गया है इतना पीछे पूरा। तो अभी तो आने वाले हैं जो प्लास्टर करते हैं, वो आने वाले हैं। तो यहाँ हमारा पूरा मंदिर बन के रेडी हो जाएगा बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी हमारे घर पे पूजा होगी। तो क्या बोलते हैं, सुबह अभी नाश्ता वास्ता तो हुआ नहीं है। नाश्ता करने के बाद सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद फिर से वही स्कूल के लिए तैयार होना वगैरह वगैरह। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। और दोस्तों, यहाँ हमने खोल दिया अपने मुर्गों को, जो आपने कल ब्लॉग में देख लिए होंगे। और दोस्तों, यहाँ हमने अपने मुर्गों को छोड़ दिया बाहर। तो क्योंकि अभी सुबह हो गई है, तो थोड़ी देर जब तक मैं स्कूल जाते तब तक मैं इन्हें बाहर रखूँगी। उसके बाद और घर पे अगर कोई रहेगा तो वो रखेगा, नहीं तो इन्हें अंदर कर देंगे। तो अभी तो वो यहाँ यहीं पर है, दिखाती आपको। ये देखिए दोस्तों, मिट्टी को गोबर को खोद खोद के कर रही है बुरा हाल। तो इनको यहीं पे छोड़ते हैं हम, तब तक अपने और काम करते हैं। चलिए। चलिए चलते हैं। और दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल में है, और अब हो रहा है प्रेयर का टाइम। तो चलिए प्रेयर करने चलते हैं बच्चों के साथ। बन रहे बच्चों के लिए दूध। निकालो वहां पे से गिलास, बैठो वहां पे, एक जगह पे बैठ के पियो। वहां पे बैठो, वहां बैठो, वहां बैठो, बैठो नीचे बैठ के पियो। बिट्टू को भी बच्चे पी रहे हैं दूध, और कुछ बच्चे यहाँ क्यारियों में पानी डाल रहे हैं। यहाँ नीचे बो रखी है बीन्स। यहाँ सारे बच्चों का दुग्धपान होते हुए, इनके लिए आज मतलब कि वेनेसडे और फ्राइडे को मिल्क होता है। तो अभी सुबह को मॉर्निंग को दूध पियेंगे, उसके बाद क्लासेस चलेंगे, फिर मिड डे मील होगा MDM। अभी साथ ही साथ कोई कोई मतलब पानी भी डाल रहा है क्यारियों में, तो हम भी क्लासेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बुखार आए थे कब? शाम को। क्या क्या हो रहा था?
अब ठीक है, दवाई खाई या ऐसी? अच्छा, क्वीन की स्पेलिंग? यहाँ गलत क्यों लिखी? तो अब हो रहा है लंच टाइम, जिसमें हम सारे मिलके लंच करने वाले हैं मिड डे मील में। तो चलिए सारे बच्चे। क्या हो रहा है लंच? बच्चे बैठ गए नीचे। और दोस्तों लंच करके अभी है प्ले टाइम, तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और मैं भी यहाँ पे उनको देख रही हूँ बस ऐसे ही। धूप भी अच्छी लग रही है अभी तो। और दोस्तों अब हो गई है छुट्टी, तो हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए छुट्टी जो है 1 बजे हो रही है। तो मेरे पास फिर से वही काम आ गया है, तो चलिए घर चलते हैं आप तो। और दोस्तों स्कूल से मैं पहुँच गई हूँ घर पर। सबसे पहले चेंज करते हैं, थोड़ा मुँह हाथ धोते हैं और उसके बाद आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं कि आगे हमारे पास अभी शाम तक क्या क्या काम होने वाले हैं। तो और दोस्तों लंच तो मेरा स्कूल पे हो गया है और मैंने जो कपड़े पहने हुए थे सबसे पहले मैं उनको धुलने के लिए डाल रही हूँ। तो मैंने ये कपड़े ड्रायर में डाल दिए हैं यहाँ, और यहीं से साफ होके आ जाएंगे। टाइमर लगाया और यहाँ से मैंने। और दोस्तों 3 बज गए हैं और आपको पता होगा 3 बजे मुझे आजकल नई ड्यूटी मिली है कि ये जो मुर्गे हैं इनको बाहर छोड़ना है, ताकि मतलब कि अपना पेट भर सकें। तो ये 3 बज गए हैं और कुछ स्कूल का काम था तो वो करते करते 3 बज गए हैं। कपड़े धो लिए हैं मैंने और अब मैं इन मुर्गों को खोलती हूँ और अब मुझे जाना है इसके बाद रेत भरने मम्मी के साथ रोड पे, क्योंकि आपको पता होगा हमारा मंदिर का काम चल रहा है, तो इसलिए हमारे ऊपर रोड पे ही है रेत वगैरह, तो जैसी चाहिए होती है हम वैसे लेके आते हैं, तो उसको भर के रखना है। तो सबसे पहले इनको छोड़ती हूँ मैं बाहर और अपने काम की तरफ चलती हूँ मैं। और दोस्तों ये है इनका कमरा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमरा है, और इनको बाहर भगा दे। चले चलो, अरे चले बाहर, चलो चलो चलो, ऐसे डर रहे ये पता नहीं जैसे खा जाएंगे। और दोस्तों ये यहाँ पे घास वगैरह जो भी कीट पतंगे हैं उनको खा रहे हैं। और इनको छोड़ के मैं रेत भरने जा रही हूँ, पता चल रहा बिल्ली आ गई, क्योंकि छोटी बिल्ली अटैक कर रही है तो बड़ी बिल्ली तो मारी जाएगी इनको। तो क्या करूँ, मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा इनको यहाँ पे और यहाँ पे पीछे। और दोस्तों मैं आ चुकी हूँ रोड पे, जहाँ पे हमारा रेत और जो भी है कंक्रीट वगैरह रखी हुई है। चलिए चलते हैं। हाँ, हमने इतने सारे थैले भर के रखे हुए, ताई जी हमारी मदद कर रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी रेत जिसको पहले यहाँ से फिल्टर किया जा रहा है। और दोस्तों हमने इतने सारे कट्टे भरे हैं रेत से, इतने आपको पीछे दिख रहा होगा सारा पीला पीला हो गया, इधर से और इधर तक पूरा भरा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैं देखती हूँ मेरे मुर्गों को कहीं बिल्ली ने तो घपोड़ नहीं दिया, कहीं अपना शिकार तो नहीं बना दिया। और दोस्तों जैसे ही मैं वहाँ ऊपर रेत भर के यहाँ नीचे आई, और ये देखिए चोर कहीं गए, यहाँ धनिया के मतलब जो हमने बीज के लिए धनिया रखा हुआ उसमें जा रखे हैं। देखिए आप भी देखिए, इधर बीज का धनिया, इधर इतना हरा भरा छोड़ के वो वहाँ यहाँ चरने के लिए आ रखे। भाई हद हो गई इनको, थोड़ी देर इनको ऐसे अकेला छोड़ देते हैं। और दोस्तों सारे दिन के थक हार के आने के बाद भी मुझे चैन नहीं है। मेरे पास ये सूट था सिलने के लिए, तो आपको बताइएगा मैं अपने सूट खुद ही सिलती हूँ, क्योंकि खुद सिलाई सीखने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पहला, तुम दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते, तुम्हें दूसरे की डेट का इंतजार नहीं करना पड़ता कि दूसरा बोलेगा इस दिन आना, जब मन करे तब सिलो, जब जैसा मन करे वैसा सिलो। तो सबसे पहले आजकल तो सूट 2 पार्ट में डिवाइड आते हैं,
व्हाइट, आप बोल रही कैसा व्हाइट कपड़ा डाल रहा है, मुझे व्हाइट पसंद है, मुझे ब्लैक और व्हाइट दोनों ही पसंद है भाई। पर ये सिलाई, इसकी कटिंग करने वाली हूँ मैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो शाम शाम को मैं इसको स्टिच भी कर दूँगी और बहुत जल्दी आपको स्टिच करके दिखाऊँगी। ये है इसका लग रहे, ये छोटे छोटे पिंक कलर के हुए हैं इसलिए इसके साथ पिंक कलर का सलवार है, तो इसको कटिंग करते हैं। ठंडी ठंडी हवा चली ही अनागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली ही अनागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गए करने की बारी है। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं डेली व्लॉग की इसी सीरीज में नेक्स्ट टाइम। तो मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि आप तब तक अपना ख्याल रखेंगे, अपने परिवारजनों का ख्याल रखेंगे और मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। तो तब तक के लिए